गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम इन टू अपेक्स स्टडीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ अशोक राव। अपन लोग अपन आज पढ़ने वाले हैं जेनेटिक्स, जिसमें आपकी दो पार्ट में अपन करेंगे। एक तो जेनेटिक्स वाला पोर्शन है और दूसरा ब्रीडिंग वाला पोर्शन है। ठीक है, तो अपन पहले स्टार्टिंग में जेनेटिक्स लेते हैं। देखो, तो जेनेटिक्स जो है इसको नॉर्मली हिंदी के अंदर अपन बोलते हैं आनुवंशिकी। ठीक है, तो आनुवंशिकी जो है वो अपन ये कहा जाता है कि यार जेनेटिक्स, पहली बात तो ये देखो नॉर्मल सी बात है, जेनेटिक्स सब टर्म किसने दी थी, ठीक है, और इसका फादर कौन था। जैसे बेटसन था, उसने टर्म दी थी, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स है, फादर ऑफ जेनेटिक्स जिसको आप बोलते हो ग्रेगर जोहन मेंडल है। ठीक है, ह्यूमन जेनेटिक्स का ए गैरोड है। ठीक है, तो वो इसकी थोड़ी बहुत बेसिक डिटेल है, या इसका जो थोड़ा बहुत परफॉर्मा है कि साहब इसमें किसकी टर्म है, वो आपको एक पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा, जिसमें सारी टर्मिनोलॉजी आ जाएगी और सारी जितनी भी डिस्कवरी वो सारी आ जाएगी। उसको एक पेज में अपन पीडीएफ में बना के दे देंगे, ताकि आपको पूरी जितनी भी आपके ब्रीडिंग में, जेनेटिक्स में, बायोटेक्नोलॉजी में, फिजियोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में, जितना भी सारा कुछ आता है वो उसी में इंक्लूड कर लेंगे। देखो, जेनेटिक्स जो है इससे नॉर्मली मानते हैं कि सब 2 से 3 क्वेश्चन तो आते आते हैं, क्योंकि 2 से 3 से भी ज़्यादा हो जाते हैं कई बार, क्योंकि जेनेटिक्स प्लस ब्रीडिंग दोनों से टोटल 5-10 क्वेश्चन आते हैं। तो अपन मानते हैं कि यार 50% तो एक कवर करता ही करता है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि सब बहुत ही डिटेल से आता है, बहुत बेसिक आता है। अच्छा, एक चीज़ और है कि सब जेनेटिक्स के अंदर जैसे आपके सिलेबस देखा होगा उसमें सेल वगैरह सारा इंक्लूडिंग होता है। ठीक है, सेल फिजियोलॉजी में भी दिया हुआ है, तो ये कोई जरूरी इश्यू नहीं है कि वो कौन सा कहाँ से आएगा, लेकिन आप मैटर पढ़ोगे तो उसका आपको समझ में आ जाएगा कि साहब ये हाँ वहाँ से वो टॉपिक है, कहीं से कोई भी आ जाए, कोई इश्यू नहीं है। देखो, जेनेटिक्स में नॉर्मली एक तो क्या क्या पूछा जाता है, अपने स्टार्टिंग में बात करते हैं, जैसे थोड़ा बहुत ऐसे पूछते हैं कि साहब फैक्टर होता है क्या होता है, जीन क्या होता है, ठीक है, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप, ठीक है, और उसके बाद में और भी कई सारी चीजें आ जाती है। तो जेनेटिक्स के अंदर नॉर्मली 2 चीजों की आप स्टडी करते हो, एक तो वेरिएशन के अंदर आप बोलते हो कि साहब कोई भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे मान लो कि स्पीसीज है, तो एक स्पीसीज के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर जो डिफरेंस करेक्टर होते हैं या डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर होते हैं, उनको आप क्या बोलते हो, वेरिएशन बोलते हो। और एक होती है आपकी हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब ये होता है कि जैसे मदर फादर है, मदर फादर का जो जीनोटाइप है या जो जीन प्रारूप है या जो जेनेटिक मटेरियल है वो आगे जाके चाइल्ड में जा रहा है। इसका मतलब मदर फादर के जो करेक्टर थे वो आगे वाले जनरेशन में जा रहे हैं, तो इसका मतलब वो हेरिडिटी है। हेरिडिटी का मतलब आप बोलते हो कि एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन के अंदर या नेक्स्ट जनरेशन के अंदर करेक्टर जाना है, वो आपका क्या कहता है, हेरिडिटी है। तो फैक्टर का मतलब आज के टाइम आप फैक्टर को क्या बोलते हो, जीन। जीन का फैक्टर का मतलब क्या होता है कि मेंडल ने ये देखा कि यार मेंडल ने आपको पता पाइसम सेटाइवम के ऊपर वर्क किया था अपना जितना भी था, तो उसने ये देखा कि यार उसमें हर जनरेशन के अंदर उस प्लांट की हाइट, उस प्लांट के लीफ, उसमें फ्लावर, उसमें पॉड, उसमें सीड वगैरह सारा बन रहे थे, कलर वगैरह आ रहा था। तो उसने सोचा कि कुछ ना कुछ एक ऐसा कोई ना कोई कंपोनेंट है जो आगे वाली जनरेशन के अंदर इस करेक्टर को क्या कर रहा है, गवर्न कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो उस समय मेंडल ने क्या बोल दिया, फैक्टर बोल दिया। बाद में जोहनसन आया, उसने फैक्टर को क्या बोल दिया, जीन बोल दिया। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि करेक्टर को कंट्रोल करने वाली यूनिट को क्या बोलते हैं, तो मेंडल ने तो बोला था फैक्टर और अपन क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। ठीक है, जीनोटाइप फिनोटाइप जो है ये आपका आप इसे बोल सकते हो कि साहब एक तो ये जोहनसन ने टर्मिनोलॉजी दी थी, एक तो जीन वाली, एक जीनोटाइप और एक फिनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब ये होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन है, जेनेटिक कॉम्बिनेशन वो आपका जीनोटाइप होता है, और जो उसका करेक्टर का कॉम्बिनेशन होता है, करेक्टर का मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मैंने एक प्लॉट लिया, उसमें मैंने टोटल 1000 प्लांट लिए। ठीक है, इस 1000 प्लांट में से मेरे पास 700 प्लांट तो थे टॉल प्लांट और 300 प्लांट कैसे थे मेरे पास से ड्वार्फ प्लांट थे। इसका मतलब मैं टॉल और ड्वार्फ का कंपोजिशन देख रहा हूँ कि कितना कितना है। तो ये टॉल और ड्वार्फ का जो रेशियो है वो आपको फेनोटाइप है, लेकिन ये टॉल और जो ड्वार्फ है ये किस जीन के कारण है, अगर आप इसका कॉम्बिनेशन देखोगे या इसका कंपोजिशन देखोगे तो आपको वो किसको आप क्या बोलते हो, जीनोटाइप बोलते हैं। लगे हाथ अपन एक चीज और पढ़ लेते हैं। देखो, जेनेटिक्स जो है वो 2 टाइप की होती है, एक तो होती है फॉरवर्ड जेनेटिक्स और दूसरी होती है बैकवर्ड जेनेटिक्स। अब एक चीज ये ध्यान रखना कि इसमें क्या करते हैं, फॉरवर्ड जेनेटिक्स में ये देखा जाता है कि पहले आप देखते हो फिनोटाइप, फिनोटाइप उसके बाद में उस किसकी स्टडी करते हो, जीनोटाइप की। या आप ऐसे बोल दो कि साहब फिनोटाइप के बाद में डायरेक्ट आप किस में देखा जाता है, जीनोटाइप में। कारण इसके पीछे फॉरवर्ड का मतलब होता है आप आगे की डायरेक्शन में जा रहे हो। आपको जीन, कोई भी ऑर्गेनिज्म का जीन देखना इतना इजीली नहीं होता,
तो आप क्या करते हो उसका फिनोटाइप देखते हो, क्योंकि फिनोटाइप अपने को क्लियरली विजिबल हो जाता है, अपने को ये पता लग जाता है कि साहब ये फिनोटाइप टॉल है, ड्वार्फ है, या ब्लैक है, येलो है, ऑरेंज है, जैसा भी उसका फिनोटाइप होता है। फिनोटाइप का मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो आउटर मोस्ट करेक्टर जो आपको बाहर से दिखता है वो आपका फिनोटाइप होता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फिनोटाइप, सॉरी फॉरवर्ड जेनेटिक्स। बैकवर्ड जेनेटिक्स में क्या होता है कि अपन थोड़ा रिवर्स प्रोसेस चलते हैं। कैसे ही? पहले तो आप देखते हो जीनोटाइप और उसके बाद आप क्या देखते हो, फेनोटाइप। तो दो ये थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना, इसे फॉरवर्ड जेनेटिक्स का मतलब स्टार्टिंग में आप फेनोटाइप देखोगे, फेनोटाइप के अकॉर्डिंग आप क्या लाओगे, जीनोटाइप। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ बात करें, आपने पहले देखा कि साहब टॉल प्लांट है, आपको ये थोड़ा बहुत आइडिया लगा कि टॉल प्लांट दो टाइप के जीनोटाइप से आ सकता है, या तो कैपिटल टी, कैपिटल टी अभी कैसे है आगे की बात है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो आपने ये बोल दिया कि साहब या तो इन 700 प्लांट का जीनोटाइप ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है या दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो पहले आपने फिनोटाइप देखा, फिर आपने क्या देखा, जीनोटाइप। या अब बैकवर्ड जेनेटिक्स का मतलब पहले क्या देखोगे, जीनोटाइप, उसके बाद में फिनोटाइप। जैसे मान लो आपने बोला कि साहब ये वाला जीनोटाइप है स्मॉल टी स्मॉल टी, तो आपको ये पता लग गया कि अगर ऐसा जीनोटाइप आ चुका है इसका मतलब प्लांट ऑलवेज कैसा होगा, ड्वार्फ होगा। तो पहले आप देख रहे हो जीनोटाइप, फिर आप देख रहे हो फिनोटाइप, तो ये आप बोलते हो बैकवर्ड जेनेटिक्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी थी कैसे क्या होता है। एक पूछा ये जाता है, जैसे यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, गैमेट। गैमेट को बोलते हैं युग्मक। और एक चीज और बताऊं, गैमेट जो है ये नेक्स्ट जनरेशन फॉर्मेशन के लिए स्मॉल, सबसे स्मॉल सेल होती है। जैसे अपन ह्यूमन की बात करें तो आप ये बोलते हो कि सब ह्यूमन के अंदर सबसे छोटी सेल जो होती है ना वो होता है स्पर्म, स्पर्म शुक्राणु, और सबसे बड़ी होती है वो ओवम, जिसको आप स्पर्म को बोलते हो मेल गैमेट और ओवम को बोलते हो फीमेल गैमेट, ठीक है। और सबसे लॉन्ग जो होती है, लार्जेस्ट जो होती है, वो आपकी होती है न्यूरॉन सेल या ब्रेन सेल, ठीक है। अब जी जो क्या बता रहे थे अपन, हाँ गैमेट। तो गैमेट का ये पूछा जाता है कि नंबर ऑफ गैमेट, एक तो ये क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ गैमेट, ठीक है, और एक टाइप ऑफ गैमेट, हिसाब टाइप ऑफ गैमेट का मतलब कितने गैमेट बनेंगे, और एक आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गैमेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गैमेट। तो तीन टाइप के क्वेश्चन पूछता है कि एक तो आपका ये, अच्छा एक चीज बताऊं, गैमेट जो बनता है वो भाई साहब जीनोटाइप से बनता है। जीनोटाइप मान लो फॉर एग्जांपल कोई भी जीनोटाइप आपको दे दिया, तो उससे तीन टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोई भी गैमेट है, या मान लो जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि एक जीनोटाइप था मेरे पास उससे 10 प्रकार टाइप की फिनोटाइप बन, सॉरी गैमेट बन रहे हैं, तो 10 में से इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्लस के अंदर इस जीनोटाइप से टोटल गैमेट कितने बन सकते हैं, या ये पूछ सकता है कि कितने टाइप के गैमेट बने, ठीक है। अब सबसे पहले नंबर ऑफ गैमेट का एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, और n का मतलब होता है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस पेयर, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। अब आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एक होमोजाइगस होता है, हेटरोजाइगस होता है, यहां मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा, बस इतना थोड़ा सा याद रखना कि होमो का मतलब होता है सेम और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, कि अगर दोनों एलील सेम है तब तो आपका होमो है, और अगर दोनों डिफरेंट है तो क्या है, हेट्रो है। तो आपको यहाँ पे देखना है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, जोड़ा का मतलब हमेशा कितने एलील से बनता है, दो से। ये होमोजाइगस आपको उसको काउंट नहीं करोगे, कैपिटल बी स्मॉल बी हेट्रो है मतलब डिफरेंट है, कैपिटल सी स्मॉल सी मतलब हेट्रो, मतलब टोटल कितने आगे, दो। तो इसका अगर आप नंबर ऑफ गैमेट ये वाला आंसर निकालोगे तो 2 की पावर 2, इसका मतलब कितना आ गया, 4। पावर सोल्व करना आपको आना चाहिए। एक चीज ध्यान रखना, किसी की भी पावर 0 आ जाए इसका मतलब उसका आंसर कितना आना है, 1 आना है, बस ये ध्यान रखना, बाकी आप पावर करना जानते हो, ठीक है, क्योंकि आपने यूजी वगैरह पूरी कंप्लीट कर ली। अब ये पूछा जाता है टाइप ऑफ गैमेट कि कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, तो यहाँ थोड़ा सा इसकी इसी एग्जाम्पल का मैं बता देता हूँ, बाकी का आप लोग थोड़ा एक्सरसाइज करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे मान लो आपको जीनोटाइप दिया कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, ठीक है। इसमें क्या करना, पहले आप स्टार्टिंग में एक लो, अगर होमोजाइगस है तो उसका केवल एक गैमेट बनता है, हेटरोजाइगस के कितने बनते हैं, दो बनते हैं, और कोई भी हेटरोजाइगस हो उसके कितने बनेंगे, दो। होमोजाइगस का ऑलवेज एक गैमेट, हेटरोजाइगस के कितने, दो गैमेट। आपको इसका एक गैमेट है तो आपने ले लिया ए, अगर हेटरोजाइगस होता ऐसे होता है कैपिटल ए स्मॉल ए तो मैं यहाँ पे नीचे अलग लिख लेता, क्यों, क्योंकि दोनों जीनोटाइप बन रहे हैं लेकिन दो गैमेट बनेंगे लेकिन अभी एक ही है। फिर आप इसको उठाओ कैपिटल बी स्मॉल बी, दो बनेंगे क्योंकि हेटरोजाइगस है, या आप यहां से भी देख लो
एन का एन इज इक्वल टू कितना है, वन, और टू की पावर वन करके देख लो, वन आए सॉरी टू आएगा, ठीक है। तो यहां से आगे जाओगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, कैपिटल भी स्मॉल भी, ठीक है। आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलोगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में कभी भी नहीं जाओगे। फिर आगे देखो कैपिटल सी स्मॉल सी दो है, इसका मतलब सॉरी हेटरोजाइगस है तो कितने अलग अलग जाएंगे, कैपिटल सी अलग और स्मॉल सी अलग, और वो इन दोनों के साथ जाएंगे, क्योंकि अपन देख रहे हैं चांस। चांस का मतलब कौन सा आ सकता है, अब आया नहीं आया वो बाद की बात, अपन देख रहे हैं कितने प्रकार टाइप के। अब इसका गैमिट कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल सी, ऐसे नीचे वाले दो बन जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ टोटल कितने बन गए, चार टाइप के गैमिट बन गए। देख लो आपने यहाँ भी बोला था कितने बन गए, चार टाइप के। तो एक तो आपका नंबर वाला हो गया, दूसरा टाइप वाला हो गया, तीसरा पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी, इसका बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रख लेना। अपन लोग बात करेंगे आगे हीमोफीलिया की, कलर ब्लाइंडनेस की, ठीक है, तो उसमें या फिर वो ए ब्लड ग्रुप वाला बी ब्लड ग्रुप वाला उसकी बात करेंगे, तो उसमें ये बहुत ज्यादा काम में आता है। देखना कैसे प्रोबेबिलिटी ऑलवेज है वो 100% में से देखी जाती है कि सब इतना परसेंट था, इतना परसेंट में से कितना आया, ठीक है। जैसे मान लो ये बोलते हो कि यार मेरे सिलेक्शन होने पर परसेंटेज जो है वो 50% है, या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि साहब मेरे चांस है, चांस जिसको बोल सकते हो, तो इसका मतलब 100 में से आपके 50% चांसेस पास हो जाओगे और 50% चांस है फेल हो जाओगे। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है टोटल, जैसे मान लो एग्जाम में कैसे पूछेगा, आपको ये जीनोटाइप दे दिया, ठीक है, वो ये बोलेगा कि इस जीनोटाइप का इस गेमेट की प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, पहले तो या तो आप क्या कर लो, टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप सॉरी गेमेट देख लो, चार आ रहा है, एक तो ये तरीका है, तो जितना आ रहा है 100 में चार का भाग दे दो तो आपका 25% आ जाएगा, या फिर क्या करना, नंबर ऑफ गेमिट जितना आ रहा है उतने का ही 100 में भाग दे दो। जैसे मान लो यहाँ चार आ रहा था, मैंने चार दे दिया, अगर आठ आता तो मैं आठ का दे देता, 16 आता तो 16 का दे दिया, और दो आता तो दो का, कुल मिला के ये है जितने नंबर ऑफ गेमिट आए उसका 100 में भाग दे दो, ठीक है। या फिर आप क्या कर लो, गेमिट बना लो, काउंट कर लो, एक दो तीन चार, अब 100 को चार पार्ट में डिवाइड कर दो तो कितना कितना आएगा, 25-25 आएगा, ठीक है। तो सबसे सीधा तरीका है कि साहब यहाँ टाइम कंज्यूमिंग लगना है, टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, तो आपको इजीली कर सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो ये तो थोड़ी थोड़ी सी आपको जहां से पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम से पूछा जाता है, और ये आना भी जरूरी है, क्योंकि आगे जो मेंडल वाले एक्सपेरिमेंट है उनमें नहीं कर पाओगे। अब थोड़ा सा देखो, आपको पता है फादर ऑफ जेनेटिक्स था मेंडल, ठीक है, तो मेंडल तो आया था लगभग, ये मेंडल 1822 में जन्मा था, 22 जुलाई 1822 को, ठीक है। इसका जो मेंडल का जो हिस्ट्री वगैरह है वो आपको नोट्स के रूप में मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ बताना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, वो थोड़ी हो आप पढ़ के कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात ये कि मेंडल जब उस मेंडल ने जितने टाइम में अपना काम किया था, जैसे आप अपन लोग बोलते हैं कि साहब 1857 से लेकर 1863 तक उसने काम किया था, फंक्शन किया था, ठीक है, तो इतने टाइम से पहले जिस साइंटिस्ट ने जेनेटिक्स के अंदर जो काम किया था उसको बोलते हैं प्री मेंडलिज्म। प्री मेंडलिज्म का मतलब मेंडल से पहले का, और उसके बाद में जो काम किया बीच वाले मेंडल वाला तो खुद का मेंडलिज्म आ गया, उसके बाद का जो होता है उसको पोस्ट मेंडलिज्म। तो इसका थोड़ा सा आप लोग हिस्ट्री पढ़ना, आप किसी भी बुक में पढ़ लेना, यहाँ मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इतना ज्यादा आप पढ़ के उनको पढ़ के मेमोराइज कर सकते हो, इतना ज्यादा कंसेप्चुअल वाला कोई ज्यादा नहीं है। प्री मेंडलिज्म, मेंडलिज्म का क्या, मेंडलिज्म में क्या क्या पढ़ना है, मेंडल की हिस्ट्री मतलब ये कब जन्मा, कब मरा, कब विदेश पढ़ने गया, कब क्या हुआ। दूसरी बात, मेंडल आपको पता था कि साहब मेंडल ने 1866 के अंदर अपने पेपर को पब्लिश कर दिया था, ठीक है, और इसकी 1884 में डेथ हो गई थी, और सन 1900 इनके अंदर उसकी क्या होगी, रीडिस्कवरी होगी। तो अभी पूछा जाता है कि उसने 1866 के अंदर पब्लिश कर दिया, 1864 में मर गया, तो वो इतने टाइम तक जैसे 34 ईयर तक वो गैप क्यों रहा, मतलब वो छुपा रुस्तम जिसको बोलते ना वो क्यों रहा, या ऐसे बोल दो कि साहब लोगों के सामने क्यों नहीं है। तो ये उसका था अनसक्सेसफुल का कारण, तो अनसक्सेसफुल के कारण आप लोग पढ़ना। फिर ये था कि सब 1900 के अंदर इसकी रीडिस्कवरी हो चुकी, इसका मतलब मेंडल में कोई ना कोई क्वालिटी तो थी, ऐसा क्वालिटी तो थी साले के अंदर, तभी तो जाके ये इसमें क्या हुआ, रीडिस्कवरी हो चुकी, इसका मतलब सक्सेसफुल भी हुआ ये, तभी तो यार आप अपने लोग पढ़ रहे हैं। अगर मान के चलो उस समय जो तीन साइंटिस्ट आए थे, उन साइंटिस्ट ने अगर इसकी रीडिस्कवरी नहीं की होती तो फिर ये कैसे काम चलता, अपन लोग पढ़ते नहीं इसको, तो इसका मतलब सक्सेसफुल का भी कारण है। थर्ड जो क्वेश्चन आपका बनता है, देखो मेंडल के थे दिनमान अच्छे, ठीक है, लेकिन अच्छे दिनमान कैसे, कि उसने मटर मिल गया
उसको अगर मान लो कोई खेजड़ी या और कोई प्लांट मिल जाता तो इसकी बैंड बच जाती है, कुछ ही नहीं कर पाते। लेकिन एक दिन मान लक भी, जिसको लक फैक्टर बोलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आपका ये बन जाता है कि मेंडल ने मटर को क्यों चुना? भाई साहब चुना नहीं था, ये दिन मान के कारण इसके मतलब धक्के से मिल गया, ठीक है। लेकिन अपना क्वेश्चन बन जाता है कि साहब मटर को क्यों चुना? तो आप बोलते हो लाइफ साइकिल छोटा होता है, प्लांट हाइट कम होती है, उसमें कई टाइप के डिफरेंट करेक्टर पाए जाते हैं, ठीक है। पॉलीसेल पोलिनेशन होता है, ध्यान रखना सेल पोलिनेशन उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। कैसे? कई बार क्या होता है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में और उसमें ये आता है कि साहब मटर को क्यों चुना या क्या रीजन था। उसमें ऐसे दो ऑप्शन होते हैं जो दोनों आपको सही लगते हैं, लेकिन आप सेल पोलिनेशन वाला एकदम राइट करोगे। क्यों? सेल पोलिनेशन है वो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, और अगर कोई क्वेश्चन होता है या कोई आंसर होता है वो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है तो वो आपके ज्यादा बेटर हो जाता है, ठीक है। फिर एक चीज आप क्या पढ़ोगे, मेंडल के जो सेवन करेक्टर थे, सेवन करेक्टर कौन, इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है सेवन करेक्टर के अंदर। एक तो ये आपकी ये पूछा जा सकता है कि साहब कौन सा करेक्टर मेंडल ने नहीं लिया। आपको सात याद है तो एक आपको ऐसा आ जाएगा, जैसे जैसे बोल दिया कि तो पत्ती की संख्या, अब आपको पता है लीफ की जो नंबर था वो था ही नहीं, तो एक तो ये पूछ सकता है। या फिर ये पूछ सकता है कि कौन से करेक्टर का डोमिनेंट क्या था, रिसेसिव क्या था। हर करेक्टर का डोमिनेंट रिसेसिव होता है। प्लस में ये पूछा जाता है कि उसके जो सेवन करेक्टर थे, जैसे मटर के अंदर 14 क्रोमोसोम होते हैं, तो वो सेवन करेक्टर कौन कौन से क्रोमोसोम नंबर पे थे? चार थे, 1, 4, 5, 7। आप याद रखने का तरीका, 1457, 1857 में एक क्रांति हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और बाद में आप क्या मान सकते हो इसको, 1457, तो अपने वाली मान लेना 400 साल पहले हुई थी। तो एक नंबर, चार नंबर, पांच नंबर, सात नंबर, ये क्रोमोसोम नंबर है, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेना। एक ये पूछा जाता है कि साहब मेंडल का जो एक वो आता है कि साहब प्लांट है, आपको कल मैंने बताया था प्लांट के अंदर जो आपका फूड स्टोरेज फूड होता है वो स्टार्च होता है, उसमें एक ही आता है कि जो एक तो राउंड सीड होता है और एक व्रिंकल सीड होता है जिसको झुर्रीदार बोलते हो, तो उसमें एक एंजाइम होता है स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। अगर वो स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम प्रेजेंट है तब तो जो सीड है वो एकदम बिल्कुल राउंड होगा। उसमें क्या होती है, आपस में स्टार्च की जो पॉलीमर होता है उनके बीच में ब्रांचिंग हो जाती है, तो उससे उसकी शेप एकदम राउंड आ जाती है। अगर स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम अगर अब्सेंट है तब जाके उसमें कैसा होता है, व्रिंकल, मतलब कहीं से बाहर कहीं से अंदर कहीं से बाहर, इस टाइप से होता है, ठीक है। अब अपन मेन पॉइंट आते हैं, अपन मेंडल ने दो टाइप के करेक्टर, सॉरी दो टाइप के हाइब्रिडाइजेशन किए थे, मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड, ठीक है। एक अच्छा, एक थोड़ा सा एक बेसिक और बता देता हूँ। एक आता है नंबर ऑफ गेमेट, नंबर ऑफ गेमेट, तो इसकी फॉर्मूला लगना 2 की पावर n। एक आता है नंबर ऑफ फिनोटाइप, फिनोटाइप इन F2 जनरेशन। जैसे कल परसों मेरे से एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सब कोई भी अगर फिनोटाइप का नंबर कैसे निकालना है F2 जनरेशन में, तो इसका फॉर्मूला लगेगा 3 की पावर n। और एक थर्ड जो आता है वो डिटो ऐसे होता है, उसमें बस होता है जीनोटाइप, जीनोटाइप इन F2 जनरेशन, इसका फॉर्मूला लगेगा 4 की पावर n, ठीक है। और n वही है नंबर ऑफ हेटरोजाइगस पेयर, ठीक है, वो डिटो सेम टू सेम है। तो आप तीन फॉर्मूला याद रखना, थोड़ा कई बार क्या होता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कैसे क्या होगा कैसे नहीं। अब अपन बात कर रहे हैं मोनोहाइब्रिड में, मोनोहाइब्रिड में जो याद रखने वाली चीजें हैं वो क्या, या एग्जाम में पहले फर्स्ट बात तो मोनोहाइब्रिड जो था उसने मेंडल ने कौन सा करेक्टर लिया था, प्लांट हाइट, ठीक है। और प्लांट हाइट में दो टाइप का होता है, एक तो आपको पता है ड्वार्फ होता है, ये तो होता है रिसेसिव, और एक होता है टॉल, ये होता है डोमिनेंट, ठीक है। ये प्लांट हाइट जो है उसके अंदर आपको पता है कि F1 जनरेशन बनती है, सॉरी F1, उसके बाद में कौन सी बनती है, F2 जनरेशन बनती है। F1 जनरेशन ऑलवेज हेटरोजाइगस होती है, ठीक है, और F2 जनरेशन होती है, अच्छा ये जो F1 जनरेशन होती है वो क्रॉस पोलिनेशन से होती है। और F1, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं ध्यान रखना, कोई भी हाइब्रिडाइजेशन हो, चाहे मोनो हाइब्रिड हो, डाई हाइब्रिड हो, ट्राई हाइब्रिड हो, कोई सा भी हो, उसमें ऑलवेज F1 जनरेशन किससे बनेगी, क्रॉस पोलिनेशन से। ओनली F1 जनरेशन क्रॉस पोलिनेशन से बनेगी, बाकी जितनी भी है आपकी F2, F3, F4, मतलब आगे के सारा, वो सारा की सारी किससे होती है, सेल पोलिनेशन से। और आपको बताया मेंडल के अंदर, सॉरी मेंडल के अंदर नहीं, प्लांट के अंदर, मटर के प्लांट के अंदर नेचुरली कैसा होता है, सेल पोलिनेशन होता है, लेकिन मेंडल ने क्या करवाया था, क्रॉस पोलिनेशन। इसका मतलब मेंडल ने दो टेक्निक यूज में ली थी, एक तो ली थी बैगिंग, ठीक है, और एक ली थी इमेस्कुलेशन। तो आप ये दोनों भी पढ़ना कि साहब इमेस्कुलेशन क्यों करते हैं, बैगिंग क्यों करते हैं, और आपको मैं बता दूं इमेस्कुलेशन इसलिए करते हैं ताकि सेल पोलिनेशन ना हो, उसके इमेस्कुले जो आपका एंथर वाला पार्ट होता है उसको रिमूव कर देते हैं। बैगिंग इसलिए करते हैं ताकि अनवांटेड पोलिनेशन ना हो जाए, जैसे मतलब अनवांटेड का मतलब कोई और कोई
माहौल ना बना जाए, माहौल का और कोई का मतलब कोई दूसरे फ्लोर का कोई पोलन ना आ जाए, अपन जो चाहते हैं वही हो, अनवांटेड पोलिनेशन को रिड्यूस करने के लिए। और ये दोनों टेक्निक जो है वो सेम फ्लोर के ऊपर होती है, ऐसा नहीं होता कि साहब बैगिंग है वो आप अलग पे करते हो और इमेस्कुलेशन, और ये दोनों जो फ्लोर दोनों टेक्निक जिस फ्लोर पर होती है वो होता है फ्लोर फीमेल वाला, क्योंकि पता है प्रोटेक्शन हमेशा फीमेल को ज्यादा दी जाती है, मेल तो ऐसे घूमता रहता है। ठीक है, तो ये उन दोनों टेक्निक फीमेल के ऊपर ही फीमेल फ्लोर पे करते हैं, मेल वाले का कोई लेना देना नहीं, वो मस्त रहता है आराम से। ठीक है, अब ये एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि F2 जनरेशन के देखो एक आता है जीनोटाइप आता है और एक आता है फेनोटाइप। ठीक है, अब देखो आपको ये जीनोटाइप होता है इसका रेशियो आता है 1:2, 2:1 और फेनोटाइप आता है 3:1। ये कंडीशन तब आती है जब डोमिनेंस वाला हो। डोमिनेंस का मतलब जैसे आप ये बोलते हो कि साहब एक करेक्टर होता है उसके दो एलील होते हैं, या ऐसे बोल दो कि साहब एक जीन के दो एलील होते हैं, एक डोमिनेंट होता है वो रिसेसिव होता है। अगर वो दोनों एलील एक साथ आ गए बोले तो हेटरोजाइगस कंडीशन आ गई, उस समय डोमिनेंट एलील जो है वो रिसेसिव के ऊपर डोमिनेंस शो करता है। मतलब ये होता है कि जब अगर ये कंडीशन आ गई जैसे दोनों डोमिनेंट थे तो टॉल प्लांट आना तो कोई इशू नहीं है, दोनों ट्वेल्थ सॉरी ड्वार्फ थे तो यहाँ ये आना कोई इशू वाली बात, लेकिन यहाँ पंगा है हेटरोजाइगस में। अगर हेटरोजाइगस कंडीशन के अंदर जिसने अपना करेक्टर शो कर दिया इसका मतलब वो एलील तो आपका क्या है डोमिनेंट है, और जिसने करेक्टर शो नहीं कर पाया वो आपका क्या है रिसेसिव है। और इस हेटरोजाइगस कंडीशन के अंदर, या मैं कह रहा हूँ हेटरोजाइगस कंडीशन के अंदर जिस करेक्टर ने अपना करेक्टर शो कर दिया वो तो डोमिनेंट करेक्टर, और जो नहीं कर पाया वो रिसेसिव, और इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हो आप डोमिनेंस। ठीक है, तो लगे हाथ आपका एक क्वेश्चन और हो गया कि मेंडल ने जो वास्तव के अंदर, एक बात बताऊं आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम से अभी जैसे आप एग्जाम फाइट करोगे वहां तक आप ये मान के चलना मेंडल ने तीन नियम दिए थे, लेकिन वास्तव में मेंडल ने नियम कितने दिए थे दो दिए थे, ये आप पीजी में आके पढ़ोगे। अभी तक तो आप तीन मान के चलना क्योंकि आपको एग्जाम में आंसर उसी के अकॉर्डिंग देना, ज्यादा शाने मत बन जाना। ठीक है, तो मेंडल ने चार पोस्टूल दिए थे, चार पोस्टूल को जो तीनों साइंटिस्ट थे डी डिस्कवरी वाले उन्होंने रिजल्ट निकाल के बाद में पता लगा कि साहब जो आपके चार में से तीन के तीन रूल बनने वाले हैं। ठीक है, जो पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और थर्ड जो था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें से तीनों को मैं यही बता देता हूँ, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वाला जो था, या इसी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को दूसरा नाम बोलते हैं लॉ ऑफ गेमेट प्योरिटी। ठीक है, ये दोनों के दोनों जो रूल थे या जो लॉ थे वो किस पे डिपेंड थे मोनोहाइब्रिड के ऊपर, और जो आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था वो किस पे था डाईहाइब्रिड के ऊपर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अच्छा एक चीज और बता दूं, F2 जनरेशन बनाने के लिए एक चेकर बोर्ड मेथड काम में लेते हैं जो कि सी पन्नेट नाम का साइंटिस्ट था। ठीक है, इसने दिया था, ये ध्यान रखना कि चेकर बोर्ड किसने दिया था, सी पन्नेट, कार्ल पन्नेट था। उसकी हेल्प से अपन क्या करते हैं F2 जनरेशन का पता लगाते हैं। अब बात करते हैं अपन डाईहाइब्रिड की। पहली बात तो ये हो जाती है कि साहब डाईहाइब्रिड जो था उसमें मेंडल ने कितने करेक्टर लिए थे दो, डाई का मतलब दो होता है, उसमें दो कौन कौन से थे, एक तो सीड शेप थी जिसमें आप बोलते हो कि साहब एक तो राउंड सीड होता है और एक व्रिंकल्ड होता है। ठीक है, और एक सीड कलर लिया था, सीड कलर दो टाइप का होता है, एक तो येलो होता है और एक ग्रीन होता है। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना कि साहब कौन कौन से कलर मतलब कौन कौन से करेक्टर लिए थे, किसका क्या किया था। ठीक है, इसमें सिंपल उसी वही बात, F1 जनरेशन है ऑलवेज किससे बनेगी क्रॉस पोलिनेशन से, और F2 जनरेशन है वो ऑलवेज किससे बनेगी सेल्फ पोलिनेशन से। ठीक है, F2 जनरेशन के अंदर जो जीनोटाइप आता है वो आएगा जीनोटाइप फेनोटाइप। इसका याद रखने का तरीका मैं बता देता हूँ, रटना नहीं है, ध्यान रखना। कई छोरे क्या करते हैं इसको ऐसे 12, 24, 25 ऐसे बहुत ज्यादा रटते हैं, इसका मैं बता देता हूँ। आप ये करना कि डाई हाइब्रिड है तो डाई हाइब्रिड का मतलब या तो दो करेक्टर की स्टडी एक साथ करो, या फिर क्या करो दो एक एक करेक्टर की स्टडी अलग अलग कर लो फिर दोनों को मिक्स कर दो। अगर इनका रिजल्ट दोनों का सेम आता है, जैसे कैसे अभी बता रहा हूं, मोनो हाइब्रिड फिर क्रॉस मोनो हाइब्रिड, इसका मतलब ये है कि अगर आप या तो डाई हाइब्रिड को एक बार कर लो और या फिर मोनो हाइब्रिड को कितनी बार कर लो दो बार, तो दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। कारण बताऊं, सुनो मेरी बात, आप लोगों ने इसे थोड़ा सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा, अभी तक पढ़ते आ रहे हो कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था उसके दो एक्सेप्शन थे, कौन कौन से, एक तो ओवर डोमिनेंस ओ सॉरी को डोमिनेंस और एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, ये दोनों उसके एक्सेप्शन थे, मेंडल को ये नहीं मिले बिल्कुल भी।
एक चीज ये होती है कि इसके बाद में जब आप डाई हाइब्रिड वाला, अभी मैं एक क्वेश्चन बता रहा था कि जो लो ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला था वो कौन से बेस, कौन से क्रॉस पे बेस था, डाई हाइब्रिड पे बेस था, ठीक है। तो मेंडल ने, आप लोगों को पता होगा कि जब जो लिंकेज था, ठीक है, या म्यूटेशन था, वो मेंडल को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? लिंकेज जो है वो इसका लो ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्या होती है, एक्सेप्शन होती है, क्योंकि या ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो लिंकेज इस नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? क्योंकि मेंडल ने मटर के जो 7 करेक्टर लिए थे उनमें वो 7 करेक्टर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थे, कोई लेना देना नहीं था। अगर उसमें से एक दो करेक्टर अगर लिंकेज शो करता तब जाके मेंडल को कोई ना कोई जो उसका फिनोटाइप जीनोटाइप था उसका रेशो गड़बड़ाता, लेकिन उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसमें केवल और केवल क्रॉसिंग ओवर था, लिंकेज का कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। इसलिए दोनों का मोनोहाइब्रिड 2 बार करवा लो, चाहे डाईहाइब्रिड 1 बार कर लो। अब एक बात बताना, मोनोहाइब्रिड का जीनोटाइप आपको याद है 1:2:1, और यहाँ भी 1:2:1। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? पहले 1 को उठाओ, तीनों से अलग अलग करो, तो इसका रेशियो आता है 121, 242, 121। कई रट लेते हैं, महान आत्मा होती हैं जो। कैसे? 1 को 1 से किया 1, 1 को 2 से किया 2, फिर 1 को 1, ऐसे करते जाओ तो आपका आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात एक ये होती है कि अच्छा, एक यहाँ भी मैं एक थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे होगा, कि जीनोटाइप वाला जो है और एक दूसरा होता है फेनोटाइप। फेनोटाइप में क्या, 3:1, 3:1, तो 3:3:9, फिर 3:3, सॉरी 3:1:3, फिर 1:3:3, और ये आपका आ गया फिनोटाइप। ऐसे आप डाईहाइब्रिड का निकाला, वैसे आप ट्राईहाइब्रिड का कर सकते हो। ट्राईहाइब्रिड में बोल दो कि साहब एक बार तो डाईहाइब्रिड कर लो और इसको मल्टीप्लाई किससे कर दो, मोनोहाइब्रिड से। तो यहाँ पर जो आपका जीनोटाइप और फिनोटाइप आएगा वो किसका आएगा, ट्राईहाइब्रिड का। ऐसे टेट्राहाइब्रिड का कर लो, 2 बार डाईहाइब्रिड कर लो, मतलब कैसे भी कर सकते हो। ये चीज तब तक पॉसिबल है जब जितने सारे करेक्टर होते हैं वो सारे के सारे क्या शो करें, लिंकेज शो नहीं करके वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या क्रॉसिंग ओवर शो करें। अगर लिंकेज आ गया तो फिर ज्यादा के पंगा हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो ये था आपका ये एक चीज। और ये बताई पूछी जाती है कि साहब जो इनकम्प्लीट लिंकेज था, इनकम्प्लीट का मतलब होता है कि लिंकेज तो शो होता है, लिंकेज तो शो होता है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं होता। जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ कि कैपिटल टी था ये टॉल प्लांट था, और स्मॉल टी था ये ड्वार्फ प्लांट था। अगर ये टॉल एलील इस पे अगर कंप्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है, तब तो ये पूरा का पूरा अगर इस कंडीशन में आ गया तो मान लो टॉल आना है, ठीक है। लेकिन अगर ये कैपिटल टी इस पर 100% नहीं हो गया, ऐसे बोल दो कि साहब 70 से 80% अगर डोमिनेंस शो कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, इनकम्प्लीट हो गया। तो भाई साहब करेक्टर तो अभी भी इसी के कारण ही आएगा, लेकिन वो टॉल की जगह थोड़ा सा क्या आ जाएगा, मिड प्लांट आ जाएगा। और एक आपका तीसरा कौन सा आ गया, ड्वार्फ, ठीक है। तो मिड का मतलब होता है कि दोनों के बीच का आएगा, लेकिन आएगा तो करेक्टर इसी का, ध्यान रखना। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था बीच के अंदर, याद नहीं कब आया था, उसमें पूछा था कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर करेक्टर किसका आता है, और कई महान आत्माओं ने, महान आत्माओं का ज्यादातर ने किया था कि साहब दोनों एलील का आता है, डोमिनेंट एलील का भी आता है, और उसमें ऑप्शन था डोमिनेंट एलील, रिसेसिव एलील, बोथ और नन ऑफ दीज। तो ज्यादातर नहीं कहता कि साहब बोथ का आता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, उसमें डोमिनेंट एलील का आता है। हाँ, आपका जो अभी इसके बाद में आगे आने वाला है जिसको आप बोलते हो को डोमिनेंस, को डोमिनेंस में जरूर दोनों का आता है, उसमें जो टोल प्लांट जो आपका डोमिनेंट एलील है उसका भी आना है और रिसेसिव एलील दोनों का भी आना है, ठीक है। ये जो इनकम्प्लीट लिंकेज है ये आप जानते हो कि साहब किसने डिस्कवर की थी, कि आप बोलते हो कि साहब जो आपका प्लांट था जिसमें एक आप बोलते हो कि मिराबिलिस जलापा और कार्ल कोरेन साइंटिस्ट थे, उसने डिस्कवर की थी। बस इतना याद रखना कि इनकम्प्लीट लिंकेज इनका, ओ सॉरी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस इन दोनों के अंदर जीनोटाइप रेशियो इजिकल टू क्या आता है आपका, फिनोटाइप, मतलब दोनों का रेशियो ऑलवेज सेम आता है, और वो कितना आता है, 1:2:1, 1:2:1। तो ये ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सब ऐसी कौन सी डोमिनेंस है जिसमें दोनों का करेक्टर सेम, सॉरी दोनों का जीनोटाइप और फेनोटाइप क्या आता है, सेम। क्योंकि उसमें, इसमें भी करेक्टर हेटरोजाइगस कंडीशन में कुछ अलग मिलेगा, इसमें भी हेटरोजाइगस कंडीशन में कुछ अलग मिलेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, एक चीज ये ध्यान रखना कि सब को डोमिनेंस का एग्जाम्पल होता है आपका एबी ब्लड ग्रुप होता है, ओनली एबी ब्लड ग्रुप, एमएन ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है। एक आपका बोलते हो कि साहब जो हीमोफीलिया का HbA और HbS वाला जो जीनोटाइप होता है, HbS और HB, ये दोनों का दोनों कोडोमिनेंस शो करता है। कोडोमिनेंस का मतलब ये होता है कि अगर हेटरोजाइगस कंडीशन आती है तो हेटरोजाइगस कंडीशन के अंदर
सॉरी आपका डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील दोनों के दोनों उसमें करेक्टर मतलब पार्टिसिपेशन में पार्टिसिपेट करते हैं या करेक्टर गवर्न करने में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। ये आपका कोडोमिनेंस वाला आता है। ओवर डोमिनेंस का मतलब ये होता है कि अगर जो टॉल प्लांट है या आप बोल दोगे साहब जो आपका डोमिनेंट एलील है वो थोड़ा एक्सप्रेशन करेक्टर का ज्यादा कर देता है, एक्सप्रेशन का मतलब जितना करना चाहिए उससे भी ज्यादा कर देता है, तो ओवर ओवर का मतलब होता है नॉर्मल रेंज से भी थोड़ा ज्यादा चला जाता है, ठीक है।